दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ज्वारभाटा क्या होता है और यह क्यों आता है। दोस्तों, ज्वारभाटा सागरों और महासागरों में आता है। जब समुद्र का पानी ऊपर उठकर यानी एक बहुत बड़ी लहर के रूप में आगे की ओर बढ़ता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब वही बड़ी लहर नीचे गिरकर बड़ी तेज़ी के साथ उसी दिशा में फिर से लौट जाती है तो उसे भाटा कहा जाता है। ज्वारभाटा की इस प्रक्रिया के दौरान रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी चीज़ों को यह बहा ले जाता है, उसे तिनके के समान बहा ले जाता है, नष्ट कर देता है। अब यह समझते हैं कि आखिर ज्वारभाटा किस कारण से आता है। इसका कारण है चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। समुद्र में प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार, और फिर ज्वार आने के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। यहाँ पर हम यह स्पष्ट करते हैं कि समय 2-4-10 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। ज्वार भाटा प्रत्येक दिन 2 बार आते हैं, पर यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि समानता ज्वार दिन में 2 बार आते हैं, पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। दोस्तों, ऐसी ही अनेक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।